सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो आज होगा क्रिकेट के मैदान पर सबसे बड़ा घमासान, क्योंकि भारत के सामने होगी पाकिस्तान। जी हां, एशिया कप 2022 का सबसे बड़ा सुपर हिट मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच आज ही खेला जाएगा, यानी कि 28 अगस्त 2022 संडे को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला शाम को 7:30 बजे से यानी कि 7:30 PM से यह मैच स्टार्ट होने वाला है, जिसे आप देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल ऐप पर, जबकि स्टार स्पोर्ट्स टीवी चैनल्स के सभी नेटवर्क पर लाइव देख सकते हैं। तो वहीं आप बिल्कुल फ्री में दूरदर्शन टीवी चैनल्स यानी कि डीडी की फ्री डिश डीडी स्पोर्ट्स पर आप लाइव देख सकते हैं। अब यह मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान के बीच काफी जबरदस्त, काफी रोमांचक होने वाला है। किसका पल्ला है भारी, आखिर यह मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, इस वीडियो में आज हम पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। एक एक खिलाड़ी की पूरी तरह से कंपैरिजन करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की। तो भारत के लिए इस मुकाबले में जहां खेलते हुए दिखाई देंगे नंबर एक पर हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा, भारतीय टीम के जबरदस्त कप्तान और ओपनर बल्लेबाज। नंबर दो पर केएल राहुल होंगे, लोकेश राहुल होंगे। नंबर तीन पर किंग यानी कि विराट कोहली होंगे। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से एज ओपनर नंबर एक पर बाबर आजम कप्तान होंगे। नंबर दो पर मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन होंगे और नंबर तीन पर फखर जमान होंगे। बात करें यहां पर रोहित शर्मा और बाबर आजम की कंपैरिजन की, तो रोहित शर्मा अब तक टोटल 132 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें 3487 रन स्कोर कर चुके हैं। एवरेज इनका 31 का है, स्ट्राइक रेट 140 का है, जबकि ये टी20 रैंकिंग में नंबर 15 पर हैं। वहीं दूसरी ओर बाबर आजम है पाकिस्तान के कप्तान, जो अब तक टोटल 74 मैच खेल चुके हैं, रन बनाए हैं 2686 रन, एवरेज इनका 45 प्लस है, जबकि स्ट्राइक रेट 129 से ज्यादा है। और टी20 रैंकिंग में बाबर आजम नंबर एक पर मौजूद है। तो बतौर बल्लेबाज कहीं ना कहीं पलड़ा बाबर आजम का भारी दिखाई दे रहा है, बाबर आजम रोहित शर्मा से आगे दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में आज हम पूरी ईमानदारी से बिल्कुल ऑनेस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं। तो यहां पर पाकिस्तान का पॉइंट्स हुआ 1, भारत का पॉइंट्स हुआ 0। अब अगर हम यहां कैप्टेंसी रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें, तो जहां एक तरफ हिटमैन रोहित शर्मा है जिनके काफी शानदार रिकॉर्ड्स हैं टी20 फॉर्मेट में। बतौर कप्तान रोहित शर्मा अब तक टोटल 35 टी20 मैच में कप्तानी कर चुके हैं, 29 मुकाबले भारतीय टीम ने जीते जबकि 6 मुकाबले में हार मिली है। और रोहित शर्मा का बतौर कप्तान टी20 फॉर्मेट में विनिंग परसेंटेज है 83.85, जो कि ये काफी शानदार है। जबकि बाबर आजम अब तक टोटल 41 टी20 मैच में कप्तानी कर चुके हैं, 26 मैचों में जीत मिली है, 10 मैचों में हार मिली है। इनका विनिंग परसेंटेज टी20 फॉर्मेट में 72.22 है। तो यहां पर कहीं ना कहीं बाबर आजम का जो कैप्टनसी रिकॉर्ड है वो ठीक ठाक है, लेकिन रोहित शर्मा का काफी शानदार, काफी जबरदस्त है। रोहित शर्मा बतौर कप्तान काफी आगे दिखाई दे रहे हैं बाबर आजम से। तो यहां पर स्कोर दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान का हुआ 1-1। तो वहीं मोहम्मद रिजवान वर्सेस केएल राहुल की कंपैरिजन करें, तो जहां केएल राहुल अब तक भारत के लिए टोटल 56 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, 52 इनिंग्स में 1831 रन बनाए, 40 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 142 का है और रैंक फिलहाल इनकी 26 है। तो वहीं दूसरी ओर है पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, 56 मैचों की 45 इनिंग्स में 1662 रन स्कोर कर चुके हैं, एवरेज इनका काफी ज्यादा है 50.36, स्ट्राइक रेट 128 से ज्यादा, रैंक इनका 3 है, टी20 रैंकिंग में नंबर 3 पर फिलहाल मोहम्मद रिजवान है। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं बतौर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान आगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये स्टेट्स रिकॉर्ड निकालने से पहले मुझे लग रहा था कि केएल राहुल काफी आगे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मोहम्मद रिजवान केएल राहुल के मुकाबले आगे दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर पाकिस्तान का स्कोर हुआ 2, भारत के स्कोर अभी भी 1 है। अब अगर हम यहां विराट कोहली और पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमान की कंपैरिजन करें, तो यहां पर पहली बात तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बन रही है। विराट कोहली एक लीजेंड खिलाड़ी है, जबकि फखर जमान अभी उतने ज्यादा मुकाबले नहीं खेले, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं इनके स्टेट्स रिकॉर्ड्स। तो विराट कोहली अब तक टोटल 99 टी20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 3308 रन बना चुके हैं, एवरेज इनका 50 से भी ज्यादा है, स्ट्राइक रेट 137 का है, रैंक फिलहाल इनकी 33 है। तो वहीं दूसरी ओर फखर जमान है, जो अब तक टोटल 65 टी20 मैच खेल चुके हैं, 1253 रन बनाए, एवरेज इनका मात्र 22 का है,
स्ट्राइक रेट 131 का है, रैंक फिलहाल इनकी 48 की है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विराट कोहली काफी आगे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों में कहीं ना कहीं भारत का स्कोर भी 2 हो चुका है और पाकिस्तान का भी स्कोर 2 है, तो लगभग टाई हो गया है। दोनों ही टीम 50-50 दिखाई दे रही है। अब अगर हम यहाँ पर मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर्स की कंपेरिजन करें तो मिल जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर्स की कंपेरिजन करें तो इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के बीच होने वाले इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों का मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर कुछ इस तरह से होने वाला है, जहां भारत की तरफ से नंबर 4 पर सूर्यकुमार यादव होंगे, नंबर 5 पर ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन होंगे, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या जबरदस्त ऑलराउंडर, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, जबकि नंबर 8 पर रविचंद्रन अश्विन होंगे, या फिर रवि बिश्नोई या दीपक हुड्डा या फिर आप अवेश खान को भी खिला सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से नंबर 4 पर होंगे इफ्तिखार अहमद या फिर हैदर अली, इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा। नंबर 5 पर होंगे खुशदिल शाह, जो काफी शानदार बल्लेबाजी करते हैं, पार्ट टाइम गेंदबाजी भी करा लेते हैं, जबकि नंबर 6 पर होंगे आसिफ अली, हार्ड हिटर बैट्समैन, नंबर 7 पर स्पिनर ऑलराउंडर सारफ खान, नंबर 8 पर मोहम्मद नवाज स्पिनर ऑलराउंडर। तो बात करते हैं सबसे पहले सूर्यकुमार यादव और इफ्तिखार अहमद या फिर हैदर अली की कंपैरिजन की, तो यहां पर कोई भी कंपैरिजन नहीं बन रही है। सूर्यकुमार यादव काफी आगे दिखाई दे रहे हैं, जहां सूर्यकुमार यादव फिलहाल T20 रैंकिंग में नंबर 2 पर मौजूद हैं और इफ्तिखार अहमद हो या फिर हैदर अली अभी ज्यादा मुकाबले पाकिस्तान के लिए नहीं खेले, साथ ही साथ इनकी जो T20 रैंकिंग है वो काफी नीचे है, 100 से भी नीचे है। तो यहां पर कहीं ना कहीं सूर्यकुमार यादव काफी आगे दिखाई दे रहे हैं, यहां पर भारत को पॉइंट्स मिलता है 1। तो ऋषभ पंत वर्सेस आसिफ अली की कंपैरिजन करें तो एक तरफ ऋषभ पंत जो अब तक टोटल 54 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, 883 रन बना चुके हैं, एवरेज मात्र 23 का है, स्ट्राइक रेट 126 का है, रैंक 59 है। तो वहीं दूसरी ओर आसिफ अली है जो 49 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, 435 रन बनाए हैं, एवरेज इनका मात्र 17 का है, स्ट्राइक रेट 133 का है, जबकि रैंक इनका 100 से भी नीचे है। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं ऋषभ पंत आगे निकल चुके हैं आसिफ अली से, तो यहां पर भी भारत को पॉइंट्स मिलता है 1। अब अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या वर्सेज खुशदिल शाह की, तो दोनों ही एक शानदार ऑलराउंडर माने जाते हैं, जहां हार्दिक पांड्या का बतौर बल्लेबाज एवरेज है T20 फॉर्मेट में 23 का, स्ट्राइक रेट 144 का है, जबकि खुशदिल शाह का भी T20 फॉर्मेट में एवरेज है बतौर बल्लेबाज 23, स्ट्राइक रेट 107 का है। तो यहां पर बतौर बल्लेबाज दोनों ही खिलाड़ी लगभग बराबरी पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एज अ बॉलर हार्दिक पांड्या का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है, तो यहां पर भी भारत को पॉइंट्स मिलता है। अब अगर हम यहां रविंद्र जडेजा वर्सेस सारफ खान की कंपैरिजन करें तो जडेजा का बतौर बल्लेबाज एवरेज T20 फॉर्मेट में 23 का, स्ट्राइक रेट 124 का है और बतौर गेंदबाज अब तक टोटल 50 विकेट ले चुके हैं, इकोनॉमी इनका 7.13 है। वहीं दूसरी ओर सारफ खान है जिनका बतौर बल्लेबाज एवरेज है 18 का, स्ट्राइक रेट है 136 का, जबकि सारफ खान अब तक टोटल 73 विकेट ले चुके हैं, जडेजा से भी ज्यादा, इकोनॉमी इनका है 7.12। तो यहाँ पर जडेजा और सारफ खान की कंपैरिजन में बतौर बल्लेबाज दोनों ही खिलाड़ी लगभग बराबरी पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी में कहीं ना कहीं सारफ खान का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को पॉइंट्स मिलता है 1, भारत को 0। अब अगर हम यहाँ रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद नवाज की कंपैरिजन करें तो जहाँ अश्विन अब तक भारत के लिए टोटल 54 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें 64 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी इनका मात्र 6.79 है, जो कि 7 से भी कम है। तो यहीं बतौर बल्लेबाज अश्विन का T20 फॉर्मेट में एवरेज है 29 का, स्ट्राइक रेट 111 का है। तो वहीं दूसरी ओर मोहम्मद नवाज हैं जो अब तक टोटल 30 मैच खेल चुके हैं, 25 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी इनका ज्यादा है अश्विन से 7.15 है। तो वहीं बतौर बल्लेबाज मोहम्मद नवाज का एवरेज T20 फॉर्मेट में 17 का, स्ट्राइक रेट 133 का है। तो यहां पर कहीं ना कहीं रविचंद्रन अश्विन मोहम्मद नवाज से काफी आगे दिखाई दे रहे, तो यहां पर भारत को पॉइंट्स मिलता है 1, पाकिस्तान को 0। तो मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर्स में कहीं ना कहीं भारत का पलड़ा काफी ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है, भारतीय टीम पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है पाकिस्तान के ऊपर, जहां पाकिस्तान के पॉइंट्स मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में मात्र 1 हुआ, तो वहीं भारत के 4 पॉइंट्स हुए। अब अगर हम बात करें गेंदबाजों की कंपैरिजन की, तो भारत की तरफ से नंबर 9 पर खेलेंगे भुवनेश्वर कुमार एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, जबकि नंबर 10 पर खेलेंगे अर्शदीप सिंह युवा फास्ट बॉलर और नंबर 11 पर होंगे युजवेंद्र चहल जबरदस्त स्पिनर। तो वहीं पाकिस्तान के लिए नंबर 9 पर खेलेंगे हारिश सौफ, जबकि नंबर 10 पर नसीम शाह और नंबर 11 पर होंगे शहनवाज दानी या फिर हसन अली। अब
की साइंस आफरीदी के बाद इनके बेहतरीन बॉलिंग ऑलराउंडर मोहम्मद वसीम जूनियर भी इंजरी की वजह से पूरे एशिया कप से बाहर हो गए थे, तो उनकी जगह पर टीम में हसन अली को शामिल किया गया था। लेकिन हसन अली को लेकर अपडेट्स ये आई है कि वो अभी रात को ही यूएई में पहुंचे, तो ऐसे में लगभग चांस कम दिखाई दे रहे हैं कि अभी कल ही तो पहुंचे और इस मुकाबले में शायद वो खेलते हुए दिखाई ना दें। तो बात करते हैं कंपैरिजन की, तो बात करते हैं सबसे पहले भुवनेश्वर कुमार वर्सेस हारिस रौफ की। तो भुवनेश्वर कुमार अब तक भारत के लिए टोटल 72 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें 73 विकेट इन्होंने ली है। इकोनॉमी रेट इनका काफ़ी कम है, 6.93, जो कि काफ़ी शानदार है। वहीं दूसरी ओर हैं हारिस रौफ, जो अब तक टोटल मात्र 35 T20 मुकाबले खेले हैं। विकेट काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लिए हैं भुवनेश्वर कुमार के मुकाबले, 42 विकेट मात्र 35 मैच में, और इनका इकोनॉमी रेट काफ़ी ज़्यादा है जो कि 8.51। तो इकोनॉमी रेट में कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार काफ़ी आगे हैं, लेकिन विकेट छटकाने के मामले में यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी आगे दिखाई दे रहे हैं हारिस रौफ। तो यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ी लगभग बराबरी पर दिखाई दे रहे हैं, स्कोर 1-1 बराबर हुआ। बात करें नसीम साहब वर्सेस असदीप सिंह कंपैरिजन की, तो ये दोनों ही खिलाड़ी काफी यंग काफी युवा हैं, तो इन दोनों ही खिलाड़ियों का अभी तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपैरिजन करना भी सही नहीं है। लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों का हालिया प्रदर्शन देखें तो काफी लाजवाब काफी शानदार रहा है, इस वजह से दोनों ही खिलाड़ियों का स्कोर 1-1 बराबर हुआ। बात करें आखिरी खिलाड़ी की, तो वह है युजवेंद्र चहल भारत के लिए, जबकि पाकिस्तान के लिए शहनवाज धानी या फिर हसन अली। अगर हसन अली ये मुकाबला खेलते तो फिर हसन अली की कंपैरिजन देखने वाली बात होती, काफी इंटरेस्टिंग होता, क्योंकि हसन अली के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, काफी जबरदस्त गेंदबाज माने जाते हैं। लेकिन इस मुकाबले में चूंकि मोस्ट लाइकली शहनवाज धानी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो इस वजह से यहां पर युजवेंद्र चहल एक्सपीरियंस के मामले में काफी ज्यादा आगे दिखाई देते हैं। हालांकि युजवेंद्र चहल एक बेहतरीन स्पिनर माने जाते हैं और शहनवाज धानी एक तेज गेंदबाज माने जाते हैं, तो कंपैरिजन तो पहली बात बनती ही नहीं है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो युजवेंद्र चहल का पलड़ा काफी ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है।